मामला ऐसा है कि मुझे उस दिन तो कुछ पता ही नहीं चला कि मामले जब रहते हैं कि मेरी किसी से निजी दुश्मनी है तो मैं कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा तो इस भिवंडी में इतना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरा रिलेशन सबसे अच्छा है। और उस दिन मैं ऑफिस में आधा घंटे पहले पहुँचा जिस दिन ये वारदात हुई। और उस दिन मेरी कार जैसा मैं खड़ा करके मैं घर की तरफ मेरे आया और आधे घंटे में एक बंदा हथौड़ा लेके मेरे को देखने के लिए आया होगा और मेरा टाइमिंग आधे घंटे का इधर उधर रहेगा। उसने नहीं, मैं ही नहीं मिला, इसलिए उसने मेरे गाड़ी के ऊपर वो हथौड़ा उसने जोर से ऐसा ठोका है कि उसके बाजू का जो पैनल है वो भी दब गया है और कांच तोड़ दिया है। और मैं मेरे रहता तो मेरे वो सर के ऊपर लगता, मेरी जान उसी चली जाती। जैसे माजी सभागार नेता मनोज मात्रे के साथ में भी ऐसी एक वारदात उनके पार्किंग में हुई थी। क्योंकि मेरे को ये बोलना क्यों जरूरी है कि मेरे जान के ऊपर आए थे, मेरे घर की तरफ आए बोले तो मेरे जान के ऊपर आए थे। जब पार्किंग ही है, चार पांच गाड़ी मेरी खुद की खड़ी हुई है उधर, उस चार गाड़ी में मेरे चार गाड़ी के बीच में मेरी गाड़ी क्यों तोड़ी गई? मतलब एक तो उनका इंटेंशन है, ये गाड़ी में मैं रेगुलर चलता हूँ, उस दिन मैं अवतार पार्टी से भी आया था, जुम्मा था, फ्राइडे था, और वहाँ से आने के बाद मैं अपने ऑफिस तक आने का, ऑफिस और मेरा घर एक ही जगह पे है, और मैं आधे घंटे में के पहले पहुँचा हूँ और ये वारदात हुई। मतलब कोई ना कोई साजिश ये प्लान करके ये मेरे को इधर पहुँचा हूँ करके ये लोग रात में 11:30 बजे आके उन्होंने ये कांड किया है कि मेरा जान जावे, इसको ख़त्म ही करे, ये विषय ख़त्म हुए। क्या उनके पीछे का हेतु है, उसके पीछे क्या उनका उनकी टेंडेंसी क्या थी, इसके ऊपर ऐसा मुझे लगता है कि मुझे ये लोग मारने आए थे, मैं नहीं मिला इसलिए मेरी गाड़ी के ऊपर हमला बोल दिया। कि तुरंत जैसा मेरे को मालूम पड़ा, हर बच्चे खड़े थे और जिसने गाड़ी के ऊपर हमला बोल दिया और उसने मेरे नाम से गाली बिली गलौज करके कि इसको छोड़ेंगे नहीं जिंदा, और ऐसा करके मिला नहीं हाथ में और भाग गया। और उसके पीछे इधर जो मेरे ऑफिस के बाहर बच्चे भी बैठे थे उसका पीछा भी किया, लेकिन पीछे मालूम पड़ा CCTV में कि पाँच लोग थे, एक टिबल सीट, एक डबल सीट, और एक्टिवा और एक बाइक थी, और वो लोग सब अपना बांधा हुआ था रुमाल मुँह सबों ने। मतलब ये प्लानिंग मतलब था ऐसा था कि मैं मिलता इधर तो वापस वो चार लोग और घुस जाते। इसमें क्या था कि एक दिन मैं कल्याण अशोक नगर की तरफ से मैं घर की तरफ आ रहा था तो मैं शालीमार होटल की तरफ, मेरे आगे एक ट्रक थी, मैं ट्रक को आहिस्ती जा रही थी तो मैं मेरी कार लेफ्ट से निकल रहा था ऑन द वे, सामने से रॉन्ग साइड से एक कार आई, स्विफ्ट कार, और डायरेक्ट मेरे सामने है, और मैं एकदम घबरा गया कि स्पीड ज़्यादा रहता तो एक्सीडेंट हो जाता। तो मैं तो उस टाइम पे मैं गर्म होना ये मुनासिब है ना कि बाबा तू रॉन्ग साइड से आया, स्पीड ज़्यादा रहता तो आज मेरी गाड़ी और तेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता और कुछ भी हो सकता है। और मैं गाड़ी से उतरा, उसको पूछा कि बाबा, तो उसने तुरंत बोला, प्रशांत काका मैं आपको पहचानता हूँ। बोले मेरे को पहचानता है तो आदमी कैसे डाउन हो जाता है, क्या बोलो अभी इसको भाई, चलो अभी इसकी गलती तो उसने की है। तो उसने उसके ससुर का नाम लिया, ससुर का नाम है सुनील शिंदे, काप में रहते, तो बोला मेरे दोस्त हो, उनका तू जवाई हो, मेरा भी जवाई तू हुआ, तो ठीक है बोला चल अभी हुआ, लेकिन ऐसी गलती वापिस कर मत। वहाँ तो दो पुलिस भी रुके थे, तो मैं बोला ना कुछ नहीं, आपने ही आत्मा ही बंदा है, जाने दो उसको। तो उधर के बच्चे भी पहचान के आए, मैं सबको बोला जाओ, कुछ नहीं हुआ, चले जाओ आप। और मैं अपने घर की तरह आ गया उस टाइम पे, दौरान सात मिनट में वो बंदा मेरे पीछे। ये 10 मार्च की वारदात है, ये मेरे को उनके ऊपर डाउट क्यों आया कि ये करने वाले ये हुई लोग हो सकते हैं। ये 10 मार्च को हुई थी घटना मेरे से, ये मेरे पीछे बंदा इतना होने के बाद कल्याण रोड पे मेरे पीछे आया, मेरे पार्किंग में उसी दिन। मैं बोला तू वापस मेरे पीछे क्यों आया, तो बोलता है नहीं मैं आपका उधर बेइज्जत हुआ, आप उधर हुए हैं तो आपको सॉरी बोलने वाला। इसमें बेइज्जत की क्या बात है, बेइज्जत की बात क्या है, तू और इधर मेरे एरिया में मेरे घर के तरफ आने का कारण क्या? मैं तो सॉरी बोलने आया, लेकिन तुमने उधर ऐसा बात किया वैसा बात किया, ये भी बात। तो वो थोड़ा चड़िक लगा मुझे, मतलब देख तेरा ससुर मेरा दोस्त है, तो इधर से चला जा अभी, या कि माहौल तू खराब हो जाएगा, बच्चे बच्चे रहते सुन के आएंगे, जमा होंगे जबरदस्ती, काम दूसरा अलग हो जाएगा कुछ ना कुछ। वो मैं चाहता नहीं था, क्योंकि वो आपने बोला कि मेरे को जो पहचान दी वो हिसाब से, बोला ठीक है मैं सॉरी ऐसा बोल के वो निकल गया। और आज 10 मार्च के बाद 29 मार्च में 20 दिन में ऐसा क्या उसको लगा, क्या प्लान करने में लगा
कि उसको उसके पीछे कोई और कोई मेरे को जो है कि आज लोकसभा का इलेक्शन लगा है, आज आचार संहिता है और मैं राजनेता में आज मैं सभा का नेता रह चुका हूँ, सभापति रह चुका हूँ, नगर सुखू मैं 15 साल से कॉरपोरेशन में हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये 20 दिन उस दिन झगड़ा छोटा कुछ भी इसको झगड़ा भी नहीं बोला जाएगा। एक बोलते हैं कि सामने वाला एक एक्सीडेंट था, उसके बाद में इतना बड़ा पाप उसने कैसा उठाया कदम, उसके पीछे कोई है क्या? मैं पुलिस लोग से यही बोला, उनको तो पहले अरेस्ट करो, 2 दिन में चुप था, मैं उनको टाइम दिया कि उनको पकड़ने में वो फरार है, नहीं आज उनका लोकेशन ट्रैक पे लो, लोकेशन मिल सकता है उनको किधर भी। आज उसमें अशोकनगर का एक बंदा, उसका कैमरे में चेहरा आया, गणेश विषय उसका नाम है, आज उसका चेहरा सामने आया, उसने नकाब ये रुमाल नहीं बांधा था, पूरा चेहरा, उसके घर 4 नंबर बिल्डिंग अशोकनगर की बिल्डिंग में वो रहता है, मतलब 2 बच्चे ट्रेस हुए हैं, उसमें से उससे बात भी हुई उस दिन, उसको जब हम लोग कंप्लेंट करने गए तुरंत यहाँ पर चोपड़े साहब आए क्राइम के और अनिल सिरसार साहब आए घटनास्थल पर, 10 मिनट में आ गए पुलिस लोग। मैंने सब मालूम आज क्यों दे रहा हूँ कि 2-3 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन बंगाल से या कलकत्ता से आदमी लेके आने में 2 दिन नहीं लगता, लेकिन यहाँ के लोकल लोग के एड्रेस है, उनके घर मालूम है, और जब जिस दिन वारदात हुई उसके ससुर ने मेरे को फ़ोन करके धमकी दी है कि उसको वो बंदा तेरे को छोड़ने वाला नहीं है, तेरी गाड़ी ठोकेगा, तेरे को ठोकेगा, इसका मतलब इतना मैं सब बोलने के बाद भी उसके ऊपर मनोज शिंदे ने के उसका भाई सुनील शिंदे उसके मोबाइल से मेरे को बोला गया था कि वो भी गर्म किस्म का लड़का है, वो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी गाड़ी किधर भी रहेगी तुम रहोगे तो वो गाड़ी वो ठोकेगा उड़ाएगा ही। तो ये ऐसा कौन सा बड़ा कारण था, तुम लोग समझा सकते थे उसको जब इतनी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद में 20 दिन क्यों लगे? मैं फिर इसके पीछे मेरे को आज डाउट आने होने लगा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, आचार संहिता है, और मैं एक राजनेता हूँ, एक समाज सेवा हूँ, सेवक हूँ, और मेरे को तो मेरी जान की फिक्र करूँ कि क्या इसकी फिक्र करूँ, आज मेरे घर तक आए इसलिए मेरे को ये टेंशन आ गया कि ये लोग कभी दूसरे लोग और प्लान कर सकते हैं, और कुछ नहीं किया तो उनके ऊपर दाखिल तो 307 होना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा करने लेने के हेतु ही मेरे पास आए। मैंने RGDCP साहब को भी दिया है, PI साहब को भी दिया है, और मैं उन्होंने मेरे को आश्वासित किया है कि 2 दिन के अंदर और एक आध दिन दे दो, मतलब कल आज और कल का दिन, मैं 2 दिन इंतज़ार करूंगा, नहीं तो मैं पूरे मेरे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, मैं पुलिस स्टेशन और DCP कार्यालय के बाहर मेरे जितने भी लोग हैं मेरे समर्थन में, मेरे लेडीज, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे सहकारी, उनको लेके मैं पुलिस स्टेशन में अब जब धरना आंदोलन करूंगा जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। 20 दिन आदमी को 20 दिन बोले तो बहुत हो गया, और मेरे घर तक आके किया है, रास्ते पे किया होता मैं किधर बाहर मिल जाता बात अलग थी, एक्सीडेंट बोला जाता है, मेरे घर तक पहुँचे बोले तो वेल प्लान नहीं बोलेंगे, ये वेल प्लान ही है, और मेरे को मेरी जान का खतरा है। एक सभागृह नेता इस दौर से गुजर चुका है, उसके भी पार्किंग में हमला हुआ है, लेकिन उसका राजनीतिक हमला है, ये वैयक्तिक भी हमला है कि राजनीतिक हमला है, ये मैं जानना चाहूँगा ना इसके पीछे क्या है। अभी तो वो मिले नहीं है, उनको तो आज मैं बोलता हूँ ट्रेस करना चाहिए, वो किधर है लोकेशन लाइव उनका ट्रेस होना चाहिए, वो कल तक परसों तक ऑनलाइन दिख रहे हैं, मेरे बच्चे सब देख रहे हैं ऑनलाइन, तो आज वो CDR में उनका कौन बातचीत किया है, क्या बातचीत किया उनसे, किसी से उनकी बातचीत चल रही थी 10 दिन से, वो निकालना चाहिए। ये सब कायदे का भाग है, और कायदे का भाग में मैं तो चाहूँगा, मैं तो आज तक एक सच्चाई के मार्ग से आया हूँ, एक समाज सेवक हूँ, मैं कभी भी मेरे कोई भी रिकॉर्ड में 15-17 साल पहले भी एक चुनाव जीता था तब भी 17 लोग ने मेरे ऊपर हमला किया था, और उसका रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में भी आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने कभी ऐसे कोई चीज़ें में दुजोरा दिया है, हालांकि मैं आज तक पुलिस स्टेशन को आज तक सहकार्य करते आए हो, प्रशासन ये मेरा एक भाग रहता है कि मैं एक सिस्टम से चलने वाला आदमी हूँ, और उस सिस्टम में कभी गड़बड़ हो जाती है तो मेरे इस आदमी को तो ऐसा लगेगा कि विश्वास किसके ऊपर आज करूँ मैं। तो मैं कल DCP साहब से बात किया, DCP साहब ने सीरियसली लिया है, उन्होंने भी वो जो एक्शन प्लान है, और आपने जो नए PI आया है उन्होंने भी एक्शन प्लान लेके सब काम चालू किया है, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहे उसका मेरे को दुख हो रहा है, तो उनका मेरे को आश्वासित 2 दिन का दिया है कि कल तक, मतलब आज और कल तक मिलेंगे ही मिलेंगे, हम लोग उनको कैसे भी करके अरेस्ट करेंगे, मेरे को न्याय चाहिए, बस मैं यही गुहार मैं प्रशासन से पुलिस प्रशासन से करना चाहता हूँ।